हाय गाइस, आज मैं आप लोग के साथ हेयर केयर रूटीन शेयर करूंगी। आपके भी बाल अगर बहुत ड्राई एंड फ्रीजी हेयर हैं और आपको भी सिल्की शाइन हेयर चाहिए तो आप भी ये घर में इजी स्टेप कर सकते हैं। मैं इस वीडियो में शेयर करूंगी कि कैसे स्मूथ शाइन हेयर आप भी कर सकते हैं और आपको मेरी वीडियो में एंड तक बना रहना पड़ेगा। अगर आप मेरे चैनल में न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन बटन को प्रेस करना मत भूलना ताकि फ्यूचर में मेरी वीडियोस आप तक पहुंच सके। अब जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आप मेरे बालों को देख सकते हैं कितने गंदे और अजीब से हो रहे हैं इस टाइम पे बाल। और सबसे पहले मैं लूँगी मेथी, उसके बाद एक पतीली में मैं पानी गर्म कर लूँगी अच्छे से। पतीली के गर्म पानी के बाद मैं कटोरी में कोकोनट ऑयल लेकर उसको पिघा लूँगी और अच्छे से गुनगुना कर लूँगी। उसमें थोड़ी सी मैं मेथी के दाने डाल दूँगी। उसके बाद मैं थोड़ा सा बादाम का ऑयल डालूँगी। बादाम का ऑयल हमारे बालों के लिए, स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है और बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है इस ऑयल से। और इसको मिक्स कर लूँगी अच्छे से और अपने बालों के रूट्स में अच्छे से लगाऊंगी और मसाज करूंगी, जैसे कि आप देख रहे हैं। गाइस, आपको भी इसी तरीके से ऑयलिंग करनी है बालों में। क्या होता है, ऑयलिंग करने से हमारे बाल अच्छे रहते हैं और अगर आप ऑयलिंग नहीं करते हैं विंटर्स में या फिर समर्स में, अगर ऑयलिंग नहीं करते हैं तो ऑयल करना बहुत ज़रूरी होता है। उससे क्या होता है, एक तो आपके हेयर ड्राई भी नहीं होंगे, फ्रीजी हेयर्स भी नहीं होंगे, डैंड्रफ भी नहीं होगा और स्मूथ एंड शाइन रहेंगे बाल आपके। बालों की भी केयर करना बहुत ज़रूरी होती है। अब जैसे कि आपने देखा, मैंने ऑयलिंग कर ली अपने बालों में और अच्छे से अब मैं मसाज करूँगी। मसाज करने से क्या होता है कि आपके बालों में जो एक ऑयल है वो अच्छे से मिक्स हो जाए, अच्छे से रूट्स में चला जाए। अब आपने देखा मैं बालों के एंड तक भी ऑयलिंग कर रही हूँ और अच्छी तरीके से बालों को मसाज कर रही हूँ। और मसाज करना बहुत ज़रूरी होता है। गाइस, हम बादाम का तेल हमारे बालों के लिए, स्किन के लिए बहुत अच्छा है बिकॉज वो हमारे बालों को सॉफ्टनेस लेकर आता है, नरिशिंग करता है हमारे बालों में, एक शाइन लेकर आता है और हेल्दी हेयर रखता है। जैसे कि आपने देखा मैं कॉम कर रही हूँ इस टाइम पे। कॉम करने से एक तो ये चीज़ है कि आपके रूट्स जो पोर्स हैं, रूट के पोर्स हैं वो ओपन हो जाएंगे, अच्छे से ऑयल उनके अंदर चला जाएगा। अपने कंघी करने के बाद बालों को अच्छे से गूँथ लूँगी और गूँथने के बाद उनको अच्छे से बांध लूँगी। बांधने से ये होता है कि बाल ऑयल जो है आपके पूरे बालों में अच्छे से रच जाएगा। गाइस, आपको इसी तरीके से स्टेप फॉलो करना है। अब कुछ देर बाद ऑयल रखने के बाद मैं वॉश कर लूँगी हेयर। और गाइस, आपको कोई भी शैम्पू यूज़ करने के बाद कंडीशनर यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपको सीरम यूज़ करना भी ज़रूरी है। 1-2 ड्रॉप लूँगी। 1-2 ड्रॉप लेने के बाद मैं अपने हाथों से बालों के एंड पॉइंट पे अच्छे से मसाज करूँगी कि सीरम मेरे पूरे बालों में अच्छे से मिक्स हो जाए। सीरम लगाने से हमारे बालों में एक शाइन, एक स्मूथनेस आ जाती है और फ्रीजी हेयर लोग के लिए और ड्राई हेयर के लिए बहुत ही अच्छा होता है सीरम लगाना। तो गाइस, अगर आप इसी तरीके से स्टेप फॉलो करेंगे आपके बाल बहुत ही अच्छे रहेंगे और शाइन एंड स्मूथनेस आ जाएगी बालों में। अब आप देख रहे हैं मैंने अपने गीले बालों में ही कॉम कर लिया है। अब आप देख रहे होंगे कितना इजी तरीके से मेरे बालों में कॉम हो रहा है। गाइस, मैं बालों को कॉम करके ड्राई होने का वेट करूंगी। आप कभी भी ड्रायर ज़्यादा यूज़ ना करिए। ड्रायर यूज़ करने से जो आपके बालों में एक ऑयल होता है वो ख़त्म हो जाता है। देखिए गाइस, मैं अच्छे से उसको कॉम कर ले रही हूँ बालों को और कितनी अच्छे और जल्दी बालों में कॉम हो जा रहा है। ये देखिए, कहीं भी उलझ नहीं रहे हैं बाल मेरे।
गाइस आप मेरे बाल देख सकते हैं कितने अच्छे बाल हो गए हैं, स्मूथनेस आ चुकी है एंड इस टाइम पे मेरे बाल बहुत ही ज़्यादा बाउंसी दिख रहे हैं और कितने थिक दिखाई दे रहे हैं और शाइनी दिखाई दे रही है। अगर आप लोग भी इसी तरीके से फॉलो करेंगे स्टेप तो आपके बाल भी बहुत अच्छे से बाउंसी एंड शाइन स्मूथनेस दिखाई देंगे एंड फ्रिजी हेयर आपके नहीं दिखेंगे। तो गाइस आपको चाहे विंटर्स हो या समर हो इसी तरीके से स्टेप फॉलो करना है, कोई पर्टिकुलर ये विंटर केयर नहीं है या समर केयर नहीं है, आप हमेशा इसी तरीके से स्टेप फॉलो कर सकते हैं। मेरे ये स्टेप बहुत इजी हैं और आप ये ट्राई करके ज़रूर देखिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं एंड बेल आइकन बटन को प्लीज़ प्रेस करें जिससे कि मेरी अच्छी अच्छी वीडियोस आप तक पहुंच सकें नोटिफिकेशन के थ्रू। अब मेरे बालों को आप देख रहे हैं कितने शाइन और हेल्दी हेयर दिखाई दे रहे हैं। तो गाइस आपको इसी तरीके से स्टेप फॉलो करना चाहिए एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।